दोस्तों री एजुकेशन एकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि आसपास के न्यूज चैनल और अखबारों में ये बातें सामने आई हैं कि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को, चाहे फेसबुक हो या अलग अलग प्रकार के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने की चर्चाएँ चल रही हैं। तो ऐसा क्यों चल रहा है, इस बात को हम लोग आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से एक नई टेक्निक जो है इंड टू इंड इंक्रिप्शन को भी जो समझने का प्रयास करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक की पॉइंट होता है, एक सुविधा होता है जो उनके कस्टमर को प्रदान किया गया है, जो कि इन तकनीकों के और सरकार की इन गाइडलाइन के बीच में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो पिछले कुछ समय से फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने की चर्चा है, क्योंकि सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी किया हुआ है जो कि सोशल मीडिया कंपनियों को जो है स्वीकार करना है और अपने ऑपरेशन में उन नियमों का अनुपालन करना है। इस बीच में ये व्यवस्थाएं दी गई हैं, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरीके का टेक्निक डेवलप करें जिससे किसी भी मैसेज के जनरेटर के बारे में जो यानी कि वो किस स्रोत से भेजा गया है उसके मूल पॉइंट पर अपनी निगरानी और नियंत्रण स्थापित कर सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो है कंपनियों के द्वारा बनाई गई पूर्व की व्यवस्था से किस तरीके से टकराव की स्थिति में आता है, उसे हम इंड टू इंड इंक्रिप्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इंड टू इंड का मतलब होता है कि एक छोर से दूसरे छोर के बीच में अगर कोई सूचना जा रही है तो वो जो है कोडिंग के माध्यम से गोपनीय ढंग से प्रेषित की जाएगी और अन्य कोई भी थर्ड पार्टी उस पर कोई कंट्रोल नहीं रखेगा या किसी को ये पता नहीं चलेगा कि इसमें किस प्रकार की सूचनाएं जा रही। मतलब इंड टू इंड यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का गोपनीय ढंग से प्रेषित किया जाना ही इंड टू इंड इंक्रिप्शन कहलाता है। जब हम व्हाट्सएप या इसी तरीके से अन्य किसी भी मैसेंजर पर कोई भी मैसेज प्रेषित करते हैं तो ऊपर लिख करके ये नोटिफिकेशन आता है कि दिस चैट इज सिक्योर्ड बाई इंड टू इंड इंक्रिप्शन। दिस मीन कि कोई तीसरा या थर्ड पर्सन इस प्रकार की सूचनाओं पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाएगा या यहाँ पर जो है कस्टमर को पर्याप्त जो है मात्रा में और पर्याप्त व्यवस्था के तहत गोपनीय और निजता के अधिकार को दिया गया है, उनकी निजता के अधिकार को बचाए रखने का प्रयास किया गया है। तो ये टेक्निक होती है इंड टू इंड इंक्रिप्शन। इन्हीं तकनीकों के कारण से सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन को व्यवहार में लाने में जो कंपनियों के सामने समस्या उत्पन्न हो रही है और सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि 3 ऐसे अधिकारियों का एक समूह बनाया जाएगा जो किसी भी प्रकार के शिकायत को लेकर के यदि उस प्लेटफॉर्म पर जो है सूचनाएं दी जाती है तो उस शिकायत को 15 दिन के अंतर्गत निस्तारित करेगा। और ऐसा करने के पीछे सरकार की ये मंशा है कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता को अगर बिगाड़ने के लिए किसी भी स्तर पर प्रयास होता है या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला कोई संदेश प्रेषित किया जाता है तो उसे किस तरीके से ट्रेस किया जा सकता है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है, देश में सौहार्द को बनाया जा सकता है, राष्ट्र की एकता अखंडता और आतंकवाद जैसी गतिविधियों को समाप्त किया जा सकता है। तो इन सभी बातों के पृष्ठभूमि में शायद आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संदर्भ में अलग अलग प्रकार की सूचनाएं आ रही थी कि इसे शायद बंद कर दिया जाएगा और इसके पीछे की जो कहानी है वो यही है कि इंड टू इंड इंक्रिप्शन के माध्यम से कस्टमर उपभोक्ताओं के निजता के अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया था, किंतु सरकार की जो नई गाइडलाइन है उसके अंतर्गत उसके सोर्स पर यानी कि उसके स्रोत पर जो है स्रोत बिंदु पर जो है कंपनियों को अपना नियंत्रण रखना होगा और अगर देश के खिलाफ कोई भी मैसेज इस तरीके से प्रेषित किया जाता है तो ऐसे संदेशों को ट्रेस करके उसके खिलाफ जो है कार्रवाई किया जाएगा। तो ये थी व्यवस्था जो है विभिन्न प्रकार के चैनलों पर और अखबारों में चलने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने की न्यूज के पीछे की कहानी। और इस कहानी के अंदर हम लोगों ने इंड टू इंड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझने का एक प्रयास किया जो कि हम लोग व्यवहार में करते हैं, देखते हैं, प्रयोग में लाते हैं परंतु जानकारी नहीं रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हम अगले लेक्चर में लेकर दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और आप सभी लोग अपनी तैयारी को एक नई दिशा में जो है बढ़ाते रहिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।